अपमान करने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। अपना अपमान करने के लिए आको है ना। क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी का अपमान किया? कि यीशु ख्रीस्त ने कसैको अपमान गर्नु भयो त? किसी को नीचा दिखाया? कसैले तल फसाले बोल्नु भयो त? जी पूरा पर उसने क्षमा किया। वहाँले क्षमा दिनु भयो। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक भेद की बात, और आज एउटा कुरा, आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि जब न्याय होगा, तपाईहरुको कति जना चाहनुहुन्छ जब न्याय हुन्छ और आप स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में जान चाहूं, न्याय के समय में, न्याय के समय में, तो जो पाप कर रहे हो तो नरक में जाएंगे, जो पाप कर सकते हो तो नरक में जान, और जो अच्छे काम करते हो स्वर्ग में जाएंगे, जो राम्रो काम कर सकते हो स्वर्ग में जान। सब लोग इस बात को जानते हैं, अब ये सभी पूरा जानते छ। तो अगर आप नरक से बचना चाहते हैं, जब हम नर यदि हम तपाईहरु नरकबाट बस्न चाहनुहुन्छ भने, तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। एउटा शॉर्टकट भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। कति लोग चाहते कि हम नरक में न जाएं? कति जना चाहन्छ हामी नरकमा नपर्नको लागि? कति जना चाहन्छ त? इतना सा जाना चाहते? यति मात्र हो त? सबै सबै। तो जोर से बोलो ना, हालेलुया। हालेलुया। काठमाडौँ चिन्ता हो गई ना? ठीक। काठमाडौँ अब जिन्दो भए है। तो नरक में जाने से बचने के लिए, नरक में जाने बाट बस्ने को लागि, स्वर्ग में एंट्री के लिए, अनि स्वर्ग में बस्ने को लागि शॉर्टकट रास्ता, एउटा शॉर्टकट छ है, छोटो बाटो। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लेखिएको छ, अगर तुम किसी के अपराध क्षमा करोगे, यदि तिमीले कसैको पाप र क्षमा गर्यो भने, तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा, र तिम्रो पाप पनि क्षमा। जब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे तो नरक तो खाली हो जाएगा। जब तुम्हारे पाप क्षमा हो नरक के हो खाली हो जाए। अब बोलेंगे नहीं हालेलुया 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 हालेलुया। अगर आपके क्षमा होंगे पाप, तो फिर नरक का तो कोई मेनू कार्ड आपको मिलने वाले नहीं है। यदि आप लोग पाप क्षमा भयो भने हाम्रो त्यो लिस्टमा के हुन्छ नाम हुँदैन। हालेलुया हालेलुया। निकाय क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके अधर्मों का यहोवा लिखाई ना ले। 32 अध्याय शाम जिसको अपराध क्षमा भएको छ। जब आपके अपराध पर आप दूसरों के अपराध क्षमा कर दो, आपके भी क्षमा हो जाएंगे। जब तपाईले अरुको अपराध क्षमा गर्नुहुन्छ, तपाईलाई पनि क्षमा। और जब अपराध क्षमा हो गए तो फिर गलती तो कोई है ही नहीं। यदि तपाईको क्षमा छ भने फिर कोई सजा भी नहीं है, कोई सजा पनि छैन, फिर आप नरक से बच जाएंगे। है ना आनंद की बात? आमेन। तो कौन बोलेगा? वो जोर से बोलिए। ऐसे लग रहे बोल रहे हमको चाय समोसा ला के दो। इस लाइन रही का से चिया समोसा ले आती दे सब। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको चाय समोसा नहीं बिरयानी खिला रहा हूँ। पता है बिरयानी दी दे हूँ चाय। ये वचन बिरयानी से कम है क्या? यो वचन बिरयानी भन्दा कम छ र? मैं आपको स्वर्गीय बिरयानी खिला रहा हूँ। स्वर्गीय बिरयानी दी दे हूँ। जो बोलो। हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो ये रहस्य की बातें आपके साथ बांट रहा हूँ। तो क्या लिखा है? मत कर, मत कर। परमेश्वर आपको मौत से बचाने के लिए, परमेश्वर हमलाई मृत्यु बाट बचाउनको को लागि, परमेश्वर आपको पाप से बचाने के लिए, पाप बाट बचाउनको लागि, वो आपकी मदद करते हैं, हमलाई सहायता गर्नुहुन्छ, क्योंकि वो जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हो, किनकि वहाँ जान्नुहुन्छ कि हामी परमेश्वर का संतान हो, और आप सामर्थ्य हैं, र हामी बलवान छौं, आप आशीषित हैं, हामी आशीषित छौं, आप आदर के योग्य हैं, हामी आदर को योग्य छौं, परमेश्वर आपका आदर करते हैं, परमेश्वर हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपका प्रेम गर्नुहुन्छ, चाहे आप विश्वासी हो, आप किसी भी धर्म जाति से हो, चाहे कुन पनि धर्म का हो, आप कोई भी भाषा बोलने वाले हो, कुनै पनि भाषा बोलने का हो, आप किसी भी संस्था या चर्च से हो, हामी जुन पनि चर्च बाट आउ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमलाई प्रेम गर्नु हुन्छ। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से मैं आपकी मदद करूंगा, फेरि वहाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। मण्डली बदलने से कुछ नहीं होगा, मण्डली परिवर्तन गर्नाले केही हुँदैन। अगर करना है तो उस पूरी मिशन के डिग्री, उस पूरी मिशन के क्या बोलेंगे उसको, डॉक्ट्रिन को बदल दीजिए। अनि चाहनुहुन्छ भने त्यो सबै स्थितिहरु परिवर्तन गर्दिनु। आप उस कलीसिया से जो बुरी है, जो गलत सेवकाई कर रही है, रोग मिनिस्ट्री है, कल्ट मिनिस्ट्री है, ऐसी मिनिस्ट्री को आप प्यार करो और आप और आंसू बहाओ, उनके साथ संगति करो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका प्यार उन्हें बदलते हैं। प्रार्थना हम जिसे नहीं जानते वो हमें नहीं जानते,
और जब हम एक दूसरे को जानते नहीं तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे और समझेंगे भी नहीं। हमें एक अर्थ जानना जरूरी होता। अच्छा, किसी को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? ताली बजाइए सिस्टर के लिए। आप खड़े हो रहे हैं, आरा सिंह का गाना देखो। तो आपने बोला संबंध बनाना पड़ता है। किसी को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? बिना रिलेशनशिप के, बिना संबंध के हम किसी को जान नहीं सकते। बिना संबंध हम किसी को पूछना सकते ना। ऐसी किसी भी धर्म, किसी भी जाति, चाहे पॉलिटिशियन लीडर्स हो, पुलिस प्रशासन हो, मीडिया हो, आप उन्हें इनवाइट कीजिए, उनको क्रिसमस में केक देकर आइए। हालेलुया। चाहे जो सुख है उसमें आसन के गर्नुस, संबंध बढाउनुस सबसे के लिए, सबैलाई मिल्नुस। अभी बीजेपी का दौर इंडिया में चल रहा है हमारे वहाँ, लेकिन मैं सबसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया जी। मैं वहाँ की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जा सकता हूँ और मेरे बहुत अच्छे पॉलिटिशियन लीडर्स के साथ, अधिकारी लोगों के साथ मेरे रिलेशन है, लेकिन मैं उस टाइम में नहीं जाता, लेकिन उनसे संबंध रखता हूँ। और इंडिया का एक रिलेशन बना कुछ कंपनीज को लेकर, बिजनेस को लेकर के। और अभी आपके राजा के घर मैं आने वाला था किसी पॉलिटिशियन लीडर्स के साथ, और बोला पास्टर जी आपकी अच्छी पहचान है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मैं उस लाइन के थ्रू में यहाँ पर नहीं है। हालेलुया जी। जो हमारे प्रधानमंत्री के कई अच्छे मित्र हैं, उन मित्रों में से वो उनके राइट हैंड मैन के, ऐसे लोगों से मेरे अच्छे संबंध है। हालेलुया। लेकिन नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं है, एक ही बड़ा है परमेश्वर। अरु चाहिँ केही ठुलो छैन, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैंने 12 साल की उम्र से सेवकाई को शुरू किया। 12 वर्ष देखि मैले सेवकाई शुरू गर्न पायो। बस रोगे अरे तुम तो बच्चे हो, हमें क्या सिखाओगे? तिमी साने छौ के हामीलाई सिकाउँछौ? मुझे बोलते बेटा बच्चों के साथ प्रार्थना करो, जाओ बच्चाहरूसँग गएर प्रार्थना गर। वक्त बीतता गया, निकलता गया, गाँव गाँव में गया, बहुत सारी परेशानी हुई, बहुत से लोगों ने अलग अलग सवाल मेरे साथ किए। समय बीते गए, धेरै समस्याहरू मा आयो। मेहनत करता रहा, आगे बढ़ता रहा। मेहनत करते अगाड़ी बढ़ गयो। मिनिस्ट्री में जो पोस्ट होती है सारी पोस्ट मैंने ले ली। सेवकाई में जति पनि तहती लिन्थ्यो उहाँले लिहाल्नु भयो। रेभरेन्ड हूँ, बिशप हूँ, पास्टर अगुवा, और मैं दिल्ली और यूपी का स्टेट डायरेक्टर हूँ, पास्टर्स को पढ़ाता हूँ, दोनों स्टेट का, मैं पूरे दोनों स्टेट का डायरेक्टर हूँ। अनि उहाँ चाहिँ टीचर पनि हुनुहुन्छ। होप थ्रू द बाइबल्स व्हाट इज आवर मिशन। मेरे एक स्टाफ यहाँ पर एक डायरेक्टर काठमांडू में, उनका नाम है कमल रॉय, परमेश्वर ने सब कुछ सिखाया। परमेश्वर ने हमें धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ, लेकिन आज भी लगता है मैंने कुछ नहीं सीखा। अनि मलाई अझ पनि लाग्छ कि मैले केही पनि सिकेको छुइन। हालेलुया, हालेलुया। अब जितना परमेश्वर के पास आएंगे, जति हामी परमेश्वरको नजिक आउँछौ, उतना परमेश्वर आपको सिकाएगा, त्यति नै परमेश्वरले तपाईलाई सिकाउनु हुन्छ। और बाइबल सिखाती है, र बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ कि छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर के पास आओ, अनि बालक जस्तै चाहिँ परमेश्वरको अगाडि जानु। हालेलुया, हालेलुया। और छोटे बच्चे बनना बहुत अच्छा लगता है। अनि सानो बच्चा बने एकदम राम्रो लाग्छ। हम छोटे थे तो गोली खेलते थे से। अनि हामी जब सानो थियो गुच्चा खेल्थ्यौ नि, हैन? फेरि एसएसए वाला भी खेलते थे। अनि देखियो बच्चा हजुरआ बहुत अच्छा लगता था। और एक गाना गाते थे, बीस समुंदर गोली चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी है ना, और वो आम ले लो आम है सरकारी हम भी है दरबारी, पुराने पुराने छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत कुछ खेलते थे, अच्छा लगता था। अभी भी बच्चे खेलते हैं उनके साथ खेलने लगता हूँ। बच्चा जब खेल्छ तब पनि उहाँलाई राम्रो लाग्छ, अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना। अनि बच्चाहरूसँग खेल्न राम्रो लाग्छ उहाँलाई। और हकीकत में बताऊं, अनि साच्चै भनौँ त, हम सब हमेशा बच्चे ही हैं। हामी सबैजना बच्चै छौं। और हम में से हर बच्चे को प्यार चाहिए। अनि सबै बच्चालाई के चाहिन्छ? प्रेम चाहिन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको प्यार चाहिए, सबैलाई प्रेम चाहिन्छ। तो सबको प्यार देना शुरू कर दो, तो सबैलाई प्रेम दिन सिके गर्नुस्, सुरु गर्नुस्। प्रभु का प्यार, परमेश्वर को प्रेम, हर किसी की ताकत बनो, सभी को के गर्नुस्, ताकत बनुस, हिम्मत बनो, हिम्मत बनुस, अच्छे दोस्त बनो, अनि एउटा असल साथी बनुस, सहारा बनो, सहारा बनुस, थोड़ा सा उत्साहित करो, वाला उत्साह दिनुस, आपको लोग प्यार करेंगे, तपाईलाई प्रेम गर्नुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। एक सिस्टर यहाँ पर है, वो अनाथ बच्चों के बीच में सेवा करती है। अनि वहाँ एउटा आमा हुनुहुन्छ, अनाथ आश्रम, वहाँको लागि ताली बजाउनुहोला।
आप गरीब बच्चों के बीच में सेवा करती है और मैं आप बोलता हूँ वो गरीब नहीं है, गरीब वो बच्चे सबसे अमीर बच्चे हैं, क्योंकि उनका जो पेरेंट है वो परमेश्वर है, किनकि वहाँको पेरेंट्स जो हुन्छ आमा बुवा को हुनुहुन्छ वहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। किसी ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसको खुदा होता है, कसैले भनेको छ जसको कोही छैन त्यसको को छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। बच्चों की सेवा कर रहे हैं अनि तपाईँ परमेश्वरको बच्चाहरूको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर आने वाले 5 सालों में पांच नए अनाथ आश्रम आपको देने जा रहा है, अनाथ आश्रम जोड़ दिला आप इन 5 वर्षों में 2 से 3 बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी, अनि यो 5 वर्षमा तपाईँ धेरै पल्ट बिमार पर्नु भएको थियो, 2 या 3 बार बिमार पर्नु, 2 या 3 चोटि बिमार पर्नु हुनेछ, आपकी हिम्मत टुट्ने गरी तपाईँको हिम्मत अलिकति गिर्न खोज्छ, तर हिम्मत गर्नुहोस्, अभी भी आप बिमारी से उठने की कोशिश कर रहे हैं, तपाईँ बिमारी पर्नु भएको थियो र फेरि उठ्नु भएको छ, परमेश्वर आपको उठाएंगे, परमेश्वर तपाईँलाई उठाउनु हुनेछ, हालेलुया हालेलुया, आप मौत पर जयवंत हो जाएंगी, तपाईँ मृत्युबाट विजय हुनुहुनेछ, हालेलुया हालेलुया। मेरी वाइफ जो बेटी आपके पास में साइड में बस्नु भएको छ, मर गई थी वहाँ, अपने बारे में आपको बताएंगे, लेकिन हमने प्रार्थना किया प्रभु ने दोबारा उसको जिंदा किया, हालेलुया हालेलुया। मेरा बेटा 13 साल का हुआ है, दिखाओ लेकिन ये प्रार्थनाओं से सीधे हुए हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने महिमा भएको होस्, हालेलुया हालेलुया। तो वो बड़े बड़े काम करता है, वहाँ ठुलो ठुलो काम गर्नुहुन्छ, ये पंखा देख रहे हैं आप, यो पंखा हेर्दै हुनुहुन्छ, अगर इसमें एंगल ना हो तो ये रुक पाएगा, अनि यो जुन झुन्डाउने कुरा भएन भने त्यो के त्यहाँ अडिन्छ त बताइए, अडिन्छ त, इसको बिना एंगल के रोक सकते हैं आप, त्यो बिना अड्काउने व्यक्ति अड्किँदैन नि त हैन, लेकिन आपका परमेश्वर, तर परमेश्वर तपाईँको परमेश्वर, तपाईँको परमेश्वर, आपका परमेश्वर, तपाईँको परमेश्वर, आपका परमेश्वर, तपाईँको परमेश्वर, सूरज चन्द्रमा तारों को बिना एंगल के लटकाता है, सूर्य चंद्रमा, डर कति खेर आउँछ भने जब हम पाप गर्छौँ, पाप करने के बाद जो उत्पन्न होता है, पाप गरे पछि हामीलाई महसुस हुन्छ, उसे हम डर कहते हैं, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ डर हुन्छ। जब तक आदम हव्वा ने फल नहीं खाया था, जब आदम र हव्वाले फल खानु भएको थिएन त्यो, तब तक वो परमेश्वर के भय में थे, तब सम्म उहाँहरुको निम्ति परमेश्वर को भय में हुनुहुन्थ्यो, नहीं खा सकते नहीं खा सकते परमेश्वर ने मना किया है, अनि हामी खान सक्दैन हुँदैन किनकि हामी परमेश्वर सँग डराउँछौ, लेकिन जब उन्होंने खा लिया, जब उहाँले खानु भयो त्यो फल, उसको हम क्या कहते हैं डर कहते हैं, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ डर भन्छ। परमेश्वर आदम से बात करते मिलने आते हैं शाम के समय, जब परमेश्वर आदमसँग साँझको समयमा भेट्न आउनुहुन्छ, पुछ्दे एडम वेयर आर यू, आदम तू कहाँ है, अनि आदम तिमी कहाँ छौ भनेर जब परमेश्वर सँग प्रभु मेरो बात त सुन्न डर गया, अनि आदमले भन्छ प्रभु म डराए र म लुके, पहली बार डरा था वो, अनि पहिलो चोटि म डराउनु भएको, पहली बार पहिलो मनुष्य जीवनमा पहिली बार डर गया, पहिलो मनुष्य र पहिलो चोटि डराउनु, क्यों किन, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, किनकि उहाँले परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ तोड्नु भएको थियो, उन्हें आदम की बाटिका से क्यों निकाला, उहाँले आदमको बगैंचाबाट किन निकालियो त बताइए, किन आदमले
नहीं फल खा लिया और आज्ञा तोड़ दी। आदम की वाटिका से क्यों निकाला बाहर? बिना आदम को बगीचा बड़ा निकाली होता आदम रब्बा लाए। आज्ञा नहीं पालन करी। ओके और उन्हें 25 नंबर दे देते हैं। 25 नंबर है तब लगता है। और मुझे भी बनना सकते हैं चार। तेरे फुके बीचा को फल खाएगी। परमेश्वर ने भन्नुभयो कि त्यो सबै फल खाने बिच्चाको फल नखानु होइन, त्यो बिच्चाको फल खायो होइन, त्यहाँबाट उसले आज्ञाको उल्लङ्घन गरे हो, यसैको लागि परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ नि निकाल जीवन के फल में से मत खाओ, उनको 99 नंबर देते हैं। पूरा सही से नहीं बोला, इसलिए निकाल दिया कि वो जीवन के पेड़ का फल ना खा ले। ऐसा निकाली होगी जीवन को फल से, क्योंकि अगर वो उसे खा लेते तो पाप अमर हो जाता है। यदि फिर खा के पाप के होते हो अमर होते हो। उन्हें अदन की वाटिका में जो फल खाया उसकी सजा तो तीनों को मिल गई। अदन को बगीचे में फल खाएगा तो स्त्री को भी सांप को भी और आदम को भी तेरे माथे का पसीना ही निकल जाएगा ना, इसको सजा ही नहीं पाई। लेकिन अदन की वाटिका से इसलिए निकाला क्योंकि जीवन का फल ना खा ले। तर फिर निकालो कि नहीं तो फल से न दोहराओ। तो जब उन्होंने फल खा लिया उसके बाद जो उत्पन्न हुआ उसे हम कहते हैं डर। पाप करने के बाद जो उत्पन्न होता है, जब हम कोई पाप करते हैं तब जो उत्पन्न होता है उसे डर कहते हैं। जब हम पाप करते हैं तो महसूस करते हैं कि वो डर हो। लेकिन जो पाप करने से बचाता है उसे कहते हैं परमेश्वर का भय। जो पाप करने वाला हमें बचाते हैं कि बच्चा परमेश्वर को भय। हालेलुया हालेलुया। तो लिखा है डरो मत लेकिन भय मानो। लेखिएको छ न डराउ तर परमेश्वरको भय मान। हालेलुया 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 हालेलुया। अच्छा ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है? ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क छ त? हाँ जी पड़ोसी हो के फर्क छ त ज्ञान और बुद्धि में? दीवार से प्यार करने वाले लोगों बताओ बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है? बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क छ त ज्ञान और बुद्धि में? वो कह रहे हैं ज्ञान तो हमें यही मिल जाता है कलीसिया में, पर बुद्धि हमें इंटरनेट चलाने से मिलती है। बनी रहने वाले को ज्ञान हम मंडली में पहुंचा और अरे बुद्धि से इंटरनेट ले रहे पहुंचा। वो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं तो वही से मिल रही होगी जी। तो क्या फर्क है ज्ञान और बुद्धि में? ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क छ त बताइए जल्दी से छिटो भन्नुस् त। ज्ञान परमेश्वर से आता है और बुद्धि आप इसको घुमा कर बोलिए तो सही हो जाएगा। कितनी बहने घुटनों पर प्रार्थना करती है यहाँ पे बताइए। अभी कति जना घुटा में प्रार्थना गर्छौ आमा दिदी बहिनी? तीन घंटा को प्रार्थना गर्नुहुन्छ? को तीन घंटे करते हैं? तीन घंटा गर्नुहुन्छ? कंटिन्यू लगातार। चलो कोई नहीं, आपने हाथ खड़ा किया है, हम आपके लिए ताली बजाते हैं। तीन दिन लगातार कौन प्रार्थना करते हैं? तीन दिन लगातार से को प्रार्थना करनुहुन्छ त? फास्टिंग में तीन दिन करते हैं तो दिन और रात की करते हैं या दिन की करते हैं? दिन और रात दोनों में करनुहुन्छ। और पूरे 12 घंटे करते हैं आप, सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक? बयान देने की बेल्ट संग करनुहुन्छ त? रेगुलर गरी रखनुहुन्छ। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठते हैं आप प्रार्थना में? आपको पता है हेलो डर की बात बताऊं मैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मत डर
अनडराव पढ़िए क्या लिखा है 41 से 10 फर्स्ट वर्स जी मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ न डराओ क्योंकि मैं तौसीता छु परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ होते हैं एंड परमेश्वर जैसे पनि आफ्नो जनहरुसँग हुनुहुन्छ चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो चाहे हम जुनसुकै स्थितिमा हो आपको पता कितनी बड़ी बात है जब मिस्र से इसराइलियों को निकाला गया अनि यो कति ठूलो कुरा हो जब मिस्रबाट इजरायलीहरुलाई निकालियो इतना बड़ा समुद्र सामने है कति ठूलो समुद्र थियो त्यहाँ निरा पीछे सेना है अनि धेरै सेनाहरु थियो त्यहाँ निरा और वो उनको मारने के लिए आ रहे अनि मार्नको निम्ति आइरहेको थियो सारी कलीसिया पास्टरको पीछे पड गई अनि सारा मण्डली पास्टरको पछाडि परेको छ पास्टर मूसाको पीछे पड गई अनि पास्टर चाहिँ मूसाको पछाडि छ अरे हामीले तुझमा विश्वास किया पीछे फिरौन की सेना सामने समुद्र है हमारा हैप्पी बर्थडे करने का प्रॉब्लम है क्या धोबी होता ना कपड़े धोने वाला उसका काम बेचारे का क्या है कभी घर कभी घाट कभी घर कभी घाट तो बेचारा एक जगह टिक नहीं पाता वो वहाँ जी खोला अनि त्यसपछि घर खोला घर रहेगा तो उसे घाट पे भेज देगा घाट वाले उसे घर भेज देंगे घर वाले घाट भेज देंगे तो बेचारा आने जाने के चक्कर में लगे रहता है वो एक जगह का नहीं रह पाता वहाँ से एवटा ठाव में बस्ना पाउनुहुन्न है तो ये ना गधा घर का ना घाट का वाला हिसाब है तो ये कहानी उनकी हो गई ना समुद्र के ना इधर के ना उधर के बीच में फंस गए दो जगह इधर सेना है उधर समुद्र है लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम पास्टर के पास होती है मूसा कह रहा बेटा तुम तो दो जगह से फंसे हो मैं चार जगह से फंसा हूँ मूसा भन्छ तपाई त दुईटा ठाउँमा फस्नुभएको छ म चारवटा ठाउँमा फसेछु कलिसिया तो केवल दो जगह से फस्ने लेकिन पास्टर चारों तरफ से अनि मण्डली त केवल दुईटा कुरामा फस्छ तर पास्टर चाहिँ चारैतिरबाट पास्टर चारों तरफ से फस्ता है अनि चारैतिरबाट पास्टर फस्नुहुन्छ आप ड्रम सेट भी बोल सकते हैं पास्टर को अनि पास्टर का नाम आप ड्रम सेट भी रख सकते हैं ड्रम्स मा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कैसे किनकि कसरी ढोलक तो दो जगह से बजती है और ढोलक का दुईटा ठाउँबाट बज्छ इधर इधर एता एता बाट लेकिन ड्रम सेट सब जगह से बजता है ड्रम सेट चाहिँ सबै यसरी बजाउनु पर्छ ऐसे ही परमेश्वर भी बजाता है यसरी नै परमेश्वरले पनि बजाउनु हुन्छ शैतान भी बजाता है शैतान पनि बजाउँछ कलीसिया भी बजाती है मण्डली पनि बजाउँछ और खुद का परिवार भी अनि आफ्नो परिवारले पनि बजाउँछ भन्छ पास्टर ड्रम सेट पानी बजाउ हेलो अरे बोलो हालेलुया हालेलुया भैया बजना पड़ता है तभी आवाज आती है पास्टर से बजने पड़ता है बिना बजे कैसे प्रभु सुनेगा जब हमारे बजते हैं तब परमेश्वर कसरी वहाँ को पूरा सुन अब दो जगह से फंसे हैं लेकिन परमेश्वर के महान काम को देखो हामी दुईटा कुरामा फसेको छौ तर परमेश्वरले मूसाको नै छोडा परमेश्वरले मूसालाई छोड्नु भएको थिएन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर मोजेसको साथ वहाँ पर था परमेश्वर मूसासँग वहाँ हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरले कहा मूसासे मत डर अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो न डरा अपनी लाठीको बडा अनि तेरो लाठीलाई उठा और जैसे लाठीको दिखाया अनि त्यो लाठीलाई दिखा समुद्र डेडिकेट हो गया अनि त्यो जब लाठीले उसले समुद्रलाई हाले त्यो के भयो दुई भाग भएको छ अरु दो हिस्सोमा बटियो अनि त्यो के भयो छ दुई भाग भएको छ हालेलुया हालेलुया चमत्कार किसने करा चमत्कार कसले गर्यो त किसके द्वारा किया कसको द्वारा गर्यो त मोसा नहीं।